सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। अब आपको लिए चलते हैं गाजियाबाद, जहां पुलिस ने पकड़ा है बड़ा गुनाहगार। और सबसे बड़ा गुनाहगार कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस पर सैकड़ों केस दर्ज हैं। देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां इसने वारदात को अंजाम न दिया हो। इसके साथ मौजूद है एक बड़ा गिरोह, लूट हत्या जैसी वारदात इसका शौक बन चुकी है। लेकिन वक्त रहते ये अपराधी पुलिस के पहर में आए और पुलिस वहां पहुंची, वरना इस शख्स के शिकार बढ़ते ही चले जाते। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं सबसे बड़े गुनाहगार की शक्ल। एक शख्स, 100 से ज्यादा मुकदमे, ईरानी गैंग की ग्वाला यूनिट का कमांडर, पुलिस की गिरफ्त में धर्मवीर सिंह। गौर से देखिए इस शख्स को, यही वो शख्स है जिसके नाम दर्ज है गुनाहों का रिकॉर्ड। देश के हर कोने में इस शख्स पर दर्ज हैं कई संगीन केस। गुनाह करना है इस शख्स का शौक, क्योंकि ये है सबसे बड़ा गुनहगार। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स का नाम है धर्मवीर सिंह उर्फ धर्मी। नाम धर्म है, लेकिन धर्म कर्म से इस गुनहगार का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, बल्कि गुनाहों की गलियों में है धर्मी का बोलबाला। गुनाहों की गलियों का राजा, गुनाहों की गलियों का ये राजा अब पुलिस की गिरफ्त में है। देश का कोई ऐसा कोना नहीं जहां इसने वारदात को अंजाम नहीं दिया हो। यही वजह है कि धर्मी पर दर्ज हैं 100 से ज्यादा मुकदमे। नाम धर्मी है, ये भातु ट्राइब का व्यक्ति है और इसके ऊपर पूरे भारत देश में लगभग 100 से अधिक मुकदमे हैं। इसने कई राज्यों में घटनाएं कर रखी हैं। इसका आपराधिक इतिहास जब खंगाला गया तो इस पर लूट, हत्या, डकैती, चोरी के लगभग 100 से अधिक मुकदमे राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश के मिले हैं और भी इसका आपराधिक इतिहास अभी खंगाला जा रहा है। एक अरसे से पुलिस को तलाश थी धर्मी की। ईरानी गैंग की ग्वाला यूनिट का कमांडर धर्मी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन चुका था, जिसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। जब इसका आपराधिक इतिहास खंगाला गया तो 1996 से ये लगातार अपराध करता आ रहा है और आज के डेट में भी ये सक्रिय है। जी हाँ, बिल्कुल स्पेसिफिक इनकी मॉडस ऑपरेंडी थी। ये मुरादाबाद से ट्रेन से चलते हैं और अलग अलग जगहों पर जाते हैं। ट्रेन से उतर के रेलवे स्टेशन पर ही इनकी बाइक खड़ी रहती है, जिसपे सवार होके ये घटना को अंजाम देने के लिए निकलते हैं। दिल्ली NCR में लूट की वारदातों को अंजाम देना इस धर्मी का शौक था। धर्मी के कब्जे से पुलिस को 1 लाख से ज्यादा की रकम, अवैध हथियार और एक बाइक बरामद हुई है। धर्मी पर अलग अलग राज्यों में 100 से ज्यादा वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। बीती 11 सितंबर को भी गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए की लूट में धर्मवीर सिंह उर्फ धर्मी शामिल था। अधिकतर ये बैंक्स को टारगेट करते हैं। बैंक में एक व्यक्ति अंदर जाता है और अपने शिकार को ढूंढता है, जो कि ज्यादा पैसे विड्रॉ कर रहा है, और बाहर जो खड़ा व्यक्ति है उसको सिग्नल मिलने पे ये साथ में हो जाते हैं और उस व्यक्ति के पीछे लग जाते हैं और जहां इनको उचित जगह मिल जाती है वहां पे उनसे पैसे छीन के फरार हो जाते हैं। अलग अलग राज्यों में धर्मवीर सिंह उर्फ धर्मी की ओर से लूट, हत्या और छिनैती की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। आइए आपको बताते हैं कि किस शातिराना अंदाज से ये वारदात को अंजाम देता था। 1996 से गुनाह कर रहा है धर्मी। मुरादाबाद से ट्रेन के जरिए करते हैं सफर, अलग अलग जगह पर साथियों के साथ जाता है। स्टेशन पर खड़ी रहती है इनकी बाइक। स्टेशन से बाइक उठाकर वारदात के लिए निकलते हैं। ज्यादातर बैंक होते हैं इनका टारगेट। ज्यादा रकम निकालने वाले पर रखते हैं नजर। बाहर खड़े शख्स को देता है सिग्नल। मौका पाकर लूट की वारदात करते हैं। सुना आपने, धर्मी की गैंग का टारगेट वो लोग होते थे जो बैंक में ज्यादा रकम निकालते थे। बैंक के अंदर मौजूद शख्स बाकायदा सिग्नल देता था और फिर शुरू होता था इनका खेल। मौका पाते ही ये लोग लूट की वारदात को देते थे अंजाम। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।